एसपी बंगले के पास में पुलिस लाइन के सामने। ये नाम सेरो होगा, सेरो सेरो में यूं बैठे हो। कोई बाल खराब हो गया था उसके लिए कहीं ना कहीं तो पानी खाली करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ लक्ष्मी नगर पंप हाउस है, वेणासर नाड़ी की 12 की मेन रेजिमेन पाइपलाइन जाती है, उस पर कोई काम कराना था, कोई वाल का गुटका खराब हो गया था, तो उस लाइन को काम करने के लिए क्या लाइन को खाली करनी पड़ती है। तो यहाँ से वेणासर नाड़ी के ठेठ चढ़ाई तक है, तो उसको बैक पानी यहाँ पे एक वाश आउट सिस्टम दिया हुआ है, वहाँ से हम रोड की तरफ इधर पानी खोल देते ताकि लाइन पूरी खाली हो जाए तो उस पर कार्य कर सकते हैं, ताकि कम से कम समय में उसको ठीक करवा दें। कितने लीटर पानी आ गया? पानी जो लाइन के अंदर चार्ज होता है वो पानी बहता है वहाँ पे, हाँ वो पीछे ढलान हमारी यही रहती है पंप हाउस पे, तो यहाँ से हमें रिलीज किया होगा। 12 इंच की लाइन दफ्तर के अंदर तो ये कभी 5-6 महीने में एक आध बार होता है, तो इसकी सफाई करवाते कर्मचारियों से, और यूँ हमने पाइपलाइन मरम्मत का एक एस्टिमेट भेजा हुआ है, उसमें बिल्डिंग मरम्मत का भी लिया हुआ है, उसमें ऐसा समाधान कर देंगे कि पाइप ये इस तरह का पानी व्यर्थ जो बह रहा है ऑफिस के अंदर नहीं जावे, मेन रोड पे आगे नाले में कनेक्ट हो जावे। पहले हमारे ओद का पानी ओवरफ्लो होता था कई बार, वो भी पानी सड़क में बहता, उसको तो हमने ओवरफ्लो जुड़वा दिया, सामने नगर परिषद वालों ने एक नाला बनाया था उसमें जोड़ दिया, उसके बाद वो समस्या का तो समाधान हो गया था काफ़ी देर से। लेकिन ये लाइन वाश करानी पड़ती है, इसका कोई रेमेडी नहीं होती, उसको पानी बहाना ही पड़ता है, हमें तभी पीछे काम कर सकते हैं, नहीं तो जलापूर्ति बाधित होती, तो इसको शॉर्ट टर्म तुरंत काम करने के लिए एक तरीका है, नहीं तो हॉस्पिटल ऐसा आ रहा है वहाँ पर पानी बहाना पड़े वो ज़्यादा रिस्की है। बिल्डिंग्स वगैरह बनी है या तो रोड है इससे, यहाँ कर देते हैं कैंपस में हमारे खुला रहता है।